रिप्स, ये कितने की छाती होती, भूल गया। बड़ा दिमाग है उसका, आईक्यू है 500 के ऊपर। तो उसने यहाँ पे एक और बूंद बनाई डंडी जैसी ये, और इसको नाम दे दिया स्टर्नम। ये तो भाई हमारे वैज्ञानिक दोस्तों ने दिया इसको नाम, लेकिन भगवान 500 आईक्यू वाले भगवान ने यहाँ पे रिप से जो है एक स्टर्नम से एक लाइक कर दो एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू चैनल पे। तो देख लेते हैं अभी हम लोग ये पार्ट टू स्केलेटन सिस्टम का, तो एक्सियल बोन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सियल बोन तो जो है आपका पिछला वीडियो था पार्ट वन अपेंडिकुलर का, उसमें जो है थोड़ा छोटा लिखा था, थोड़ा धुंधला, बार बार डिम लाइट डिम ब्राइट हो रहा था, तो उसके लिए जो क्वालिटी के लिए सॉरी। तो फिर अभी हम लोग एक्सियल स्टार्ट करते हैं। एक्सियल बोन होती हैं आपकी 80, पहले हम ओरली पढ़ लेते हैं 80 बोन्स को। 26 आपकी हो जाती हैं आपकी इसमें रीढ़ की हड्डी में, 24 हो जाती है यहाँ एक स्टर्नम, ठीक है 24 हो जाती है यहाँ एक स्टर्नम हो जाती है। इसके बाद जो हो जाती है आपकी पूरे सर में 29, 80 आपकी बोन कंप्लीट। तो अब इनको देख लेते हैं हम एक एक पढ़ के। तो पहले हम लोग देखते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी आपकी कुछ इस प्रकार होती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है ये जो है, जैसे आप लोग एक एक्सरसाइज करके देखिएगा प्रैक्टिकल के लिए, ऐसे झुकिएगा एक हाथ को यहाँ पर लगाइएगा, और फिर ऐसे बिना टी शर्ट की तो आप ऐसे देखेंगे फील करेंगे कि जो थोड़ा टाइट टाइट सा होता है, ऐसा कोई डंडा टाइप का रहता है, बैज बैज टाइप का, तो वो जो है आपका रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपरी भाग होता है वर्टिब्रल कॉलम, नहीं सॉरी सॉरी ऊपरी भाग सॉरी वर्टिब्रल कॉलम, तो उसको हम लोग कहते हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपरी अपर मोस्ट पॉइंट होता है एटलस, अपर मोस्ट पॉइंट होता है आपका एटलस। तो जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्सियल हड्डी में एक्सियल में गिना जाता है, क्योंकि ये ब्रेन को सप्लाई देता है और एक तरीके से ये इन्वॉल्यूएंट्री हो जाता है एक तरीके से। तो अभी देखते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में जो है कितनी हड्डियाँ होती हैं। जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं 26 बोन्स। अगर कोई बंदा एडल्ट है और भाई छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा परी है कोई, तो भाई उसके लिए हो जाती है हमारी 33 जो है स्पाइनल कॉर्ड की बोन आ जाती है। न्यू बॉर्न बेबी या स्मॉल बेबी में, या फिर जो है आपका चिल्ड्रन जैसों में जो है 30 से 33 तक होती हैं, एडल्ट में जो है आपके फादर जैसे लोगों में 26 बोन तक होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो अभी हम लोग देख जोड़ते चलते हैं आपकी 26 बोन, तो भाई ये हो गई। एंड देन स्पाइनल कॉर्ड हम लोग कंप्लीट करने के लिए थे आपका रिप्स, ये कितने की छाती होती, भूल गए डायलॉग। तो अभी रिप्स जो है आपकी कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे करके कुछ एक दो रिप्स होती हैं यहाँ पे, एक होती है आपकी बोन। ये जो है टोटल रिप्स नहीं बनाई, कुछ बनाती हैं एग्जांपल के लिए, तो आप कुछ एग्जांपल ऐसे समझ लो। ये जो होती हैं आपकी रिप्स होती हैं, ये वाला जो एरिया होता है आपका, ये जो है रिप्स होता है। तो 12 रिप्स जो है आपके यहाँ से, रिप्स जो है आपकी इस साइड के यानी राइट साइड की रिप्स, राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड से जो है शुरू होंगी, यहाँ से राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होंगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, और लेफ्ट साइड की रिप्स यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो अब जो है हम लोगों की जो है हर एक साइड से 12 रिप्स होती हैं, दूसरे साइड से 12 रिप्स होती हैं, तो टोटल ऐसे हो जाती हैं आपकी रिप्स 24 रिप्स, कितनी 24 रिप्स। तो इन रिप्स को अगर हम लोग जैसे ऐसे कहते हैं दम है तो आ जाओ लड़ने के लिए, तो ऐसे जो है इन रिप्स में अगर कोई यहाँ पे एक जॉइंट नहीं होता तो ये जो है आपके हर्ट को चुभता, या फिर कोई भी रात को ऐसे पकड़ के फाड़ देता आपका रिप्स, या फिर ऐसे दबा जाता तो भाई आप मर जाते। तो भगवान भाई बड़ा दिमाग है उसका, आईक्यू है 500 के ऊपर। तो उसने यहाँ पे एक और बोन बनाई डंडी जैसी ये, और इसको नाम दे दिया स्टर्नम। ये तो भाई हमारे वैज्ञानिक दोस्तों ने दिया इसको नाम,
लेकिन भगवान पांच सौ आई क्यू वाले भगवान ने यहाँ पे रिब से जो है एक स्टर्नम से एक बोन से जोड़ दिया, तो आपकी पूरी चेस्ट में जो है आपकी बोन हो जाती है 25, चेस्ट में आपकी बोन हो जाती है 25, तो 26 के साथ अब हम लोग 25 जोड़ लेते हैं, चेस्ट आपका क्लियर। तो अभी आता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सबसे दिमाग पकाऊ पार्ट, जिसमें आपका बैगन भरता भी बन सकता है, उबले आलू भी बन सकते हैं। तो ये जो है आपका हेड, तो हेड में जो है हम लोगों की हेड जो होता है आपका, हेड में जो है आपकी 29 बोन होती हैं। तो हेड में आपकी 29 बोन होती हैं, इनको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे 26, 25 एंड 29, तो ये जो हो जाता है कितना आपका हो जाता है आपका 80 आपकी बोन्स हो जाती हैं। अब आप लोग सोचेंगे हेड तो मैंने समझाया नहीं, तो अभी समझाते हैं पूरा हेड, ये जो है यहाँ से लेके पूरा मुंडा आपका, ऐसे इसको काट दो तो अगर इनमें हम पूरी बोन्स निकलेंगे 29, एंड अगर हम लोग स्कल खोपड़े की बात करें जो ब्रेन को और इतने एरिए को प्रोटेक्ट करता है भाई, तो स्कल में होती हैं आपकी 22 बोन्स, फंस गए। तो अब देखो इसमें 20 स्कल में 22 बोन, हेड में 29 बोन, और स्कल जो है आपका मोस्ट ऑफ द हेड को कवर कर लेता है, यानी 99% हेड कवर कर लेता है, तो हेड में 29 स्कल में 22 क्यों है? तो पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं कितने का है, तो ये जो है 7 बोन्स का डिफरेंस है, तो अब हम इन 7 बोन्स को गिन लेते हैं। तो इस 7 बोन्स को गिनने के लिए हमें चलना पड़ेगा ईयर कथा में, तो ईयर में जो है आपकी 3 बोन होती हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म होता है मिस मेलकस इनगियस स्टीप्स, मेलकस इनगियस स्टीप्स, मेलकियस जो है आपकी सबसे कमज़ोर बोन होती है और स्टीप्स सबसे छोटी बोन होती है, 3 बोन होती हैं ये, एक कान में 3 बोन, एक कान में 3 बोन, तो 3 × 2 = 6 बोन तो यही हो गई। और फिर भाई फिल्मों में आपने देखा होगा, इसको थोड़े ऊपर लिख देते हैं अगर दिख नहीं रहा होगा, तो MIS 3 × 2 टोटल 6 बोन्स हो गई आपकी ईयर में, 6 बोन्स हो गई ईयर में। तो और फिल्मों में आपने देखा होगा जब फांसी लगाते हैं ऐसे लटक जाते हैं, तो आप लोग जैसे मैं भी सोचता था पहले जब साइंस नहीं पढ़ी थी कि ये गर्दन से जो सांस घुटती है और एकदम जो सांस घुटने की वजह से जो ऐसे सांस घुटती होगी, सांस घुटने की वजह से एकदम आंधी में मर जाता होगा, लेकिन जैसे स्केलेटन सिस्टम चैप्टर आया बुक में एंड जब जो इसके बारे में स्टडी किया तो पता चला एक जो है आपकी यहाँ पे जो एक बोन होती है इसको कहते हैं हम लोग, इसको यार इरेज कर दो थोड़ा ज़्यादा कुछ पुछ हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं हायर्ड बोन, इसको भी कर दो, ये क्यों लिखा है, उस बोन को कहते हैं हम लोग हायर्ड बोन, तो एक हो गई आपकी हायर्ड बोन। ओके, तो ये जो कान की 6 बोन और एक जी जो है हायर्ड बोन आपका स्कल में नहीं गिना जाता है, हेड में गिना जाता है, तो 6 × 1 हो गया आपकी 7 बोन, 6 × 1 आपकी 7 बोन्स हो जाती हैं। तो ये जो है 7 बोन आपकी स्कल में नहीं गिनी जाती हैं, ईयर हेड में गिनी जाती हैं, इसलिए स्कल में हो जाती हैं आपकी 22 एंड हेड में हो जाती हैं 29। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, एडल्ट की स्पाइनल कॉर्ड में 26, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड में 33, 26 को ही मान लेते हैं, एंड देन 24 रिब्स हो गई, 125 स्टर्नम हो गया, 26 एंड 25, इसके बाद पूरा हम लोग स्कल नहीं जोड़ेंगे, पूरा हेड जोड़ेंगे, तो 29, 26 प्लस 26 स्पाइनल कॉर्ड, 25 रिब्स एंड 29 हेड, टोटल 80 एक्सियल बोन। और ये जो है आपका हेड की बोन्स और यानी स्कल की बोन, ये जो है आपके MCB को बचाता है, यानी आपके ब्रेन यानी इसको आपके टखले को बचाता है जो अंदर पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो इससे हो गई आपकी 80 एक्सियल बोन ख़त्म, 26 स्पाइनल कॉर्ड, 25 पूरी चेस्ट और 29 हेड, टोटल 80 बोन एक्सियल बोन ख़त्म। हेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्या देख रहा है?